Here we go again. Hello everyone. This is the experience series of the technical communication course. The credit of all the resources goes solely the IIIT Delhi and specifically Piracy Mukherjee, which is our prof. So ये स्पेसिफिक इसका एम था मेरी खुद की रीजन के लिए, मुझे एड करने के लिए, बिकॉज जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर मेरे खुद भी ज्यादा अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है विद माई रिटेंशन एंड ऑल. एंड ऑल्सो अगर कोई इसको पढ़ रहा है, इफ वी आर गेट थ्रू, सो उसको भी गुड लक. ओके, सो टेक्निकल कम्युनिकेशन एक भाई इंग्लिश का एक नेक्स्ट लेवल एडवांस कोर्स है. इसमें थोड़ा सा हम रिसर्च एक्सपेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं अबाउट ऑल द फॉर्मल डिस्कशंस एंड ऑल द टेक्निकल राइटिंग. ओके, वही कोर राइटिंग स्ट्रेटजीज, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, सिंप्लीफाई करना, गार्बेज को क्लीन करना, ठीक है, क्लैरिटी लाना अपने चीजों के अंदर, बस वही प्रॉपरली डिजाइन पोस्टर पावर पॉइंट्स बने, इस कोर्स का मीनिंग यही है. एंड क्या कहते हैं, बस फॉर्मल टेक्निक हमें सिखा रहे हैं, इन शॉर्ट, इन माय हिंदी जुगाड़ से यू कैन से. ओके, सो एक अच्छी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए विद प्रॉपर प्रॉपर पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स. एंड आल्सो उसके अंदर रिट्रेशन होनी चाहिए कि और हम उसको कितनी अच्छी कर सकते हैं, उसमें से गार्बेज ओमिट करो, गार्बेज मीन मतलब फालतू के वर्ड्स जिनका वो सेंसिटिव बनता हो, एंड जितना छोटा कर सके, जितना क्लियर बना सके, ठीक है. आल्सो फीडबैक, अगर ऐसे हम कोई रिसर्च राइटिंग वगैरह बना रहे हो तो फिर फीडबैक ऑफ कोर्स मिलना चाहिए ताकि वो उससे और इम्प्रूव कर पाए. एंड इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए एंड जल्दी भी काम करना चाहिए ऑफ कोर्स. ओके, सो सम बेसिक प्रॉपर्टीज की, अब मैं ना पुरानी पुरानी चीज जो रिपीट हो रही है मैं उसको बार बार नहीं बोलूंगा, उल्टा और ऐड अप करूंगा कि राइटिंग छोटी होनी चाहिए, कुछ टेक टर्म्स ना बूस्ट नहीं करनी चाहिए. कि अगर मैं किसी रिसर्च पेपर में मैं बैक ट्रेसिंग रख दूं, क्या फिर अगर मैं कोई भी मैं कूट पड़ांग ऐसे थ्योरम रख दूं जो बिल्कुल एक स्पेशलाइज डोमेन वाले लोगों को ही पता चलती है, क्या फिर कॉमन ऑडियंस को पता नहीं चलती, उसको टेकी साउंड बना रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल, तो फिर मैं उसमें बेसिक टर्म्स ही रखूँ, मैं उसको कूल बनाने के लिए उसमें कुबरनेटिक्स का फिर काफ़ के प्रॉब्लम्स नहीं डाल सकता. क्यों? क्योंकि उससे बस टैकी टैकी ही बनोगे, क्लैरिटी आएगी नहीं, उल्टा तुम्हारी क्रिएटिविटी और डाउन होगी, लोग नहीं पढ़ेंगे इसलिए. एंड भाई ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, डिफाइन ऑल ऑफ योर टर्म्स, ठीक है, सिंप्लिसिटी रहना चाहिए और हर सेंटेंस में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है. क्या नहीं करना, लंबा नहीं रखना भाई, टैकी शिट नहीं रखना, ठीक है, और रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि तुम एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हो. ओके, ब्रेविटी बार बार इसमें ना बस वही लिखा हुआ है कि जल्दी करो, ओके, तो फालतू बकवास नहीं लिखनी. यस, जब तुम अपने डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में जब तुम अपने आइडिया के बारे में तुम बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारी कॉमन टेंडेंसी होती है कि तुम उसको रिपीट करते हो, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, नहीं करनी, बस बिल्कुल भी नहीं करनी. पेपर को मार्क कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कंडेंस होना चाहिए, ठीक है. और हेजिंग, हेजिंग इज अ टेक्निक जहाँ पे हम श्योर नहीं होते, जहाँ पे हम पार्शियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट रखी इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड एट द सेकंड पैराग्राफ मैं उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट मतलब तरीका, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी. कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं छोड़ना उस चीज के लिए, बिल्कुल डायरेक्ट लिखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में लिखो. जो भी चीज तुम लिख रहे हो वो तुम्हें 100% श्योर होनी चाहिए, 50% या फिर 99% नहीं होनी चाहिए, जस्ट जस्ट कुछ शब्द नहीं लिखना, वही हिडन नेगेशन, वही कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है. और कोई भी ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड्स रखने की नीड नहीं है कि अनलाइकली या डिसरिस्पेक्टफुली या अनलेस या समथिंग, बस जितना छोटा बना सको, समझ ही जाओ. एक्टिव पैसिव वॉइस, अब इसमें थोड़ा सा हमने और इसके ऊपर चर्चा करनी है, बट
कि पैसिव वॉइस काफी ज्यादा हल्की होती है, डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, पोलाइट होती है, एक्टिव वॉइस हमेशा सटीक होती है, क्लियर होती है, कंसाइज होती है, और वो ही प्रेफर अब किया जाता है मोस्टली ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ पे हम लिखे। ओके, पैसिव वॉइस ना हमेशा ही आदमी को घुमा के रखती थी थोड़ा सा, मतलब पूरा पैसा भी तुम्हारा क्या कहता है, घुमा 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 सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल एग्जाम्पल देखें, द स्टडी डेवलप्स एन एफिशिएंट मेथोडोलॉजी टू एग्जामिन स्पेस टाइम कंटिन्यूस डेटा सेट फॉर अर्बन इरिगेशन वाटर यूज। और इसमें हमें बस बता दिया है कि एक स्टडी है जो कि एक मेथोडोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रही है, जिसमें एक स्पेस टाइम एल्गोरिथम जो भी है वो एफिशिएंट वे में बने। पर पैसिव में अगर हम वही चीज लिखे, एन एफिशिएंट मेथोडोलॉजी टू एग्जामिन ए स्पेस टाइम कंटिन्यूस डेटा सेट फॉर अर्बन इरिगेशन वाटर यूज इज डेवलप्ड इन द स्टडी। देखा, मतलब इसमें पहले हमें बहुत ज्यादा हमें लैग किया गया, फिर हमें बताया गया अच्छा ये स्टडी में डेवलप की गई है, पहले हमें पता ही नहीं था कि ये सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो इस वाले केस में पैसिव हमें नहीं करना एट एनी कॉस्ट। ओके, हल्के से हम टेंसेस के ऊपर भी हम बात करते हैं। टेंसेस में अपने एक प्रेजेंट सिंपल आ जाता है, सिंपल पास्ट आ जाता है, एंड प्रेजेंट फॉरगेट माय हैंड राइटिंग प्लीज फॉरगेट। ठीक है, सो हमारा प्रेजेंट सिंपल जो होता है, तो अब ये छोटे बच्चे वाला मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। फॉर दोस हु डोंट नो, क्या कब 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 ऐसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हैं कि शी डजंट, या फिर दे डोंट, वी डोंट, ही इट्स, शी गोस, डू डज, प्लस फर्स्ट फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई ईट फूड, ही डजंट ईट फूड, डज ही ईट फूड। ओके, और सिंपल पास्ट में हमारी आ जाती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आई वी यू के साथ सेकंड सेकंड फॉर्म, एंड क्या कहते हैं उसके बाकी लाभ चीजें जो नेगेशन होती है एंड क्वेश्चन मार्क, उसके साथ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एट फूड, आई डिडंट ईट फूड, डिड आई ईट फूड। ओके, एंड विद द प्रेजेंट परफेक्ट इसके साथ होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वी यू डू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ही शी इट नेम के साथ हैज विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, शी हैज गॉन, हैज शी गॉन, आई हैव ईटन अ फूड। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमें ये तीन तीन टेंसेस के बारे में हमें क्यों बताया गया। बिकॉज जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है वो हमेशा रिजल्ट रिजल्ट पे लिखते हैं, कि कोई भी रिसर्च होती है उसका नीचे वाला एक पोर्शन होता है ना, ऐसे रिजल्ट्स का, बस उस सबसे नीचे वाले पोर्शन में लिखना होता है, सबसे नीचे वाले। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम समरी वगैरह कुछ लिखते हैं, तो हमारा पास्ट सिंपल टेंस, शायद समरी शायद ना हो, इसके ऊपर हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस आर जस्ट 70%, पास्ट सिंपल टेंस आर जस्ट 23%, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज जस्ट अबाउट 5%, याद करने की नीड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें हमेशा इंट्रोडक्शन में हेल्प करता है, जहां पर हम अपने ऑब्वियस चीज हम बता रहे हो, अगर हम कोई जनरल फैक्ट्स बता रहे हो, ये हमेशा हमारी इंट्रो में हेल्प करता है। ओके, एक सेकेंड, इंट्रो, फॉरगिव फॉर माय हैंड राइटिंग। ओके, जो भी जनरल स्टेटमेंट होती है उसको लिखने में हेल्प करता है, और थोड़ा सा मतलब क्या कहता है, अगर तुम कोई कंसल्ट बताते हो, मतलब इसलिए अगर तुम किसी ऑथर्स के बारे में तुम मेंशन अप करते हो, ठीक है, तो उसमें अगर तुम उनकी अचीवमेंट्स का भी, किसी साइंटिफिक टूल्स की तुम बात कर रहे होते हो, फिर अगर तुम पुराने आर्टिकल्स की भी अगर तुम बात कर रहे होते हो ना, तब भी हमारी प्रेजेंट टेंस यूज होती है। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल पास्ट हमारी ना तभी काम आती है जब हम कोई वेल नोन साइंटिस्ट की, जब हम कोई पुरानी बात लिख रहे होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हो। ओके, ये हमारे इंट्रोडक्शन में वैसे काम नहीं आती उतनी, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पैसिव वॉइस का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बाद में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा बिल्कुल लास्ट में जो हमारा रिजल्ट होती है, समरी होती है, ठीक है, कनेक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, उसको लिखने में हेल्प करती है। ओके, ये बेसिकली रूल्स है, तुम्हें ऐसे ही करना है। जस्ट सेकेंड, जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें उतना अच्छा नहीं लग रहा, पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पे रखते हैं तभी काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है। यू कैन रीड द एग्जाम्पल। ओके, जब मैंने ये बताया था ना, दिस इज सफिशियंट, ओके, मोर देन सफिशियंट। अब आगे बढ़ते हैं, पंक्चुएशन का सबसे बड़ा यूज, कि कहीं पे लिखा हुआ लेट्स ईट ग्रैंडमा वर्सेस लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब ये मैंने कॉमन मैंने कहते हैं
एक ऐसे इंग्लिश में मैंने ऐसे चुटकुले में सुना था, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पंक्चुएशन की कितनी अच्छी खासी यूज होती है। यहाँ पे हम ग्रैंडमा को हम बुला रहे कि आओ खाना खाए, ठीक है यहाँ पे तो ओके वही चे कॉमा के ना होने से पूरी ना मीनिंग ही अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है मीनिंग। ओके इन अदर वर्ड्स द एब्सेंस ऑफ कॉमा टेल्स रीडर दैट मोर देन वन ऑफ द सर्टेन थिंग एग्जिस्ट इन द कंटेंस कंटेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस। ओके वही कि और जब तुम लिख रहे हो ना तब तुम्हें हल्का फुल्का अपने आप को याद रखना चाहिए कि क्या मैं इजी लिख रहा हूँ, क्या मैं पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ जो मुझे समझाना है, क्या मैंने कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं लिख दिया, फिर मैंने कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया, या मैंने ढंग से समझाया है, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हल्का फुल्का पॉइंटेड अप या फिर लीड अप कर रहा है, क्या मैंने ढंग से लिखा है। बस वही है। ओके सो सेशन टू कम्युनिकेटिंग साइंटिफिक आइडियाज क्लियरली फ्रॉम क्लियर टू क्लैरिटी, इसमें बस वही हम और चर्चा करते हैं। क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्ट 100%। ओके वही आसान सा लिखो, जल्दी लिखो, एंड वैलिड स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, कोई भी अनप्रूवन शिट नहीं लिखना। ओके कोई कोई एजम्पशंस नहीं बनाने। एवरीवन नोस दैट ऐसे नाम की कोई चीज नहीं लिखनी, ठीक है ये याद रखनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड साइंटिफिक राइटिंग जो मैंने पहले बोला उसको अपेंड करके, जो सच हो, क्लियर हेडिंग्स एंड सेक्शंस, नो अप्रोक्सीमेशन। ओके अब तो तुम लोगों को सारे मतलब पॉइंट्स तुम्हें याद होने लग जाने चाहिए थे, ठीक है। ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, राउटिंग उनकी सही हो जानी चाहिए। राउटिंग इज टेक्निकल टर्म जो कि यूज नहीं करना चाहिए, जो हमारी वेबडेव में हेल्प करता है। राउटिंग मतलब बेसिकली क्लियर सेक्शन एंड क्लियर हेडिंग्स होने चाहिए, मतलब ऐसे हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए। और क्या कहते हैं, क्रेडिबल लगे, किसी का काम पैराफ्रेज मत करो, अपना खुद का काम करो यार, ठीक है। इसके ऊपर भी हम काफी ज्यादा बात करेंगे। चूजिंग द वर्ब्स, चूजिंग द वर्ड्स, ओके टैगी शिट नहीं लिखना, ठीक है, और कोई भी एब्रिवेशन नहीं लिखना, ठीक है। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा, वन सेकेंड, जैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ऐसे ही लिखना, एग्जाम्पल पूरा ऐसे लिखना है। ओके यस बस यही है इसमें, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रखना, ठीक है, सब्जेक्टिव वे में मत लिखना, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव वे में लिखना है, जस्ट लाइक कि क्या कहते हैं कि मैंने गाड़ी चलाई बहुत ज्यादा, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर कछुए के हिसाब से देखे तो कुछ भी चीज बहुत ज्यादा ही चलेगी, ठीक है। अगर मैं एक सुपर कार के सामने देखूं तो वो तो पूरा स्लो होगी, एक घोड़े के सामने देखूं तो मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हो, वहां पे तुम एक ओपन एंडेड तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी सब्जेक्टिव लैंग्वेज जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी, बट विद द एग्जाम्पल कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ 38 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल जहां पे हम पूरा ऑब्जेक्टिव हम वे में हम बिल्कुल डायरेक्ट वे में लिख रहे हैं कि यार 38 इज 38। ओके वही सब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल इसमें ये दिया हुआ है कि टेस्ट टेस्ट ट्यूब का जो रंग है वो बहुत ज्यादा सुंदर ब्लू है। सुंदर ब्लू क्या चीज होती है, मुझे घटिया लगता है ब्लू, ठीक है, मतलब सपोज, ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, बेसिकली वही ओपन एंडेडनेस इसमें आ गई, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा, इसके डिफरेंट मीनिंग्स बन सकते हैं, बस इसका एक ही मीनिंग रहेगा कि 38 इज 38। ओके इसके 100 मीनिंग निकल सकते हैं। ओके सो वही एक्टिव पैसिव के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। पी एफ एक्स ए, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस की देयर वाज सम इफेक्ट व्हिच इज अफेक्टेड बाय ए, ठीक है, ये सॉरी हाँ वन सेकेंड, देयर इज सम प्रोसेस जिसने एक कंक्लूजन को इफेक्ट किया, ये चीज होती है हमारी एक्टिव वॉइस, बट देयर वाज सम कंक्लूजन व्हिच इज अफेक्टेड बाय द प्रोसेस इज अ पैसिव वॉइस, ठीक है। अब ना यहाँ पे हम थोड़ी सी ये वाली बात करेंगे, एक्टिव तो हम जनरली हम यूज करते हैं पर पैसिव का भी हमें नीड पड़ेगा, ठीक है। वन सेकेंड वही द एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन बाय रिसर्च ऑफिसर, द रिसर्च ऑफिसर डिजाइन द एक्सपेरिमेंट, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है।
वही वो एक्चुअली डेट एक्सपेरिमेंट शुड बी क्या फिर ऐसे एंड ऑल ठीक है। अब यहाँ पे पैसिव अच्छा लगने लगेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल समथिंग समवन हैड ब्रोकन द वाटर पाइप इन टू द थ्री पीसेस प्लेसेस। अब इसमें काफी ज्यादा पड़ा था नहीं लग रहा, कोई ना कोई होगा जिसने वाटर पाइप को तोड़ा, या फिर अगर हम सीधा ऐसे लिखते द वाटर पाइप वॉज ब्रोकन इन टू थ्री प्लेसेस। ओके यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है। इन जनरल द एक्टिव वॉइस इज क्लियर मोर डायरेक्ट एंड इजियर टू रीड, बट द पैसिव वॉइस कैन बी मोर अप्रोप्रिएट इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू बी अवेयर ऑफ हाउ यू आर राइटिंग एंड हाउ द वॉइस दैट यू अफेक्ट यू चूज अफेक्ट्स द टोन एंड द मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स। ओके अब कोई पर्सनल बायसनेस इसमें कुछ भी नहीं रखनी बाय एनी चांस, किसी भी रिसर्च राइटिंग में कुछ अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रखना। वेरी इंटरेस्टिंगली स्ट्राइकिंगली न्यू नोवल एक्साइटिंगली ऐसा कुछ नहीं लिखना, स्ट्रेट नो ठीक है। आई डीपली बिलीव मतलब कोई ऐसी घटिया चीजें नहीं लिखनी ठीक है, मतलब इसके पर्सपेक्टिव में घटिया है। ओके साइंटिफिक राइटर्स ऑफ्टन ट्राई टू अवॉइड द यूज ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक देयर राइटिंग सीम मोर इम्पार्शियल एंड फॉर्मल ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा हमें और हमें ग्रे लाइन वाला हमारा हमें शिट मिल जाएगा। ये पहला द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिनन मे बी फाउंड इन, बट वी बिलीव दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिनन मे बी फाउंड इन। अब इसमें हम थोड़ा हम यूज कर सकते हैं। ओके या फिर ये भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर हम थोड़ी और बात करते हैं 1 सेकेंड। इम्पर्सनल पैसल ओके सो यहाँ पे हमारा वही लगना सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई बताया नहीं गया कि ये किसने किया, ऑथर था ठीक है, कोई टीम थी, कोई मतलब क्या तो कोई पर्सन था ठीक है। इसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई रिसर्च टीम ने किया था ठीक है। ऑनरशिप दिखनी चाहिए, कोई ओपिनियन किसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए ठीक है। आइडेंटिटी के टाइम पे हम वी का यूज करते हैं। ओके वही इम्पर्सनल काफी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कोई पर्सनल हमारा फास्ट भी हो जाता है डायरेक्ट। ओके जाती और इसके ऊपर हम थोड़ी और बात करते हैं। द रिसर्च टीम डिसाइडेड दैट द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड इज क्लियर एंड डायरेक्ट। यहाँ पे हमारी रिसर्च टीम काफी अच्छे वे में लिखने का तरीका है। ओके पर तुम टिपिकली ना आई मतलब मैं का भाव जिंदगी में रखना ही नहीं चाहिए, हमें हमेशा वी यूज करना चाहिए। ओके सो जेंडर बाइस सेंटेंसेस इसका मैं काफी ज्यादा मैं मतलब पहले इन्हें टी एल डी आर वे में बता देता हूँ कि कभी भी ही यूज नहीं करना। इसमें हम जेंडर बाइस में सिखा देते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं दे यूज कर सकते हैं, मतलब दे एज ए कि द पर्सन ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूट्रल वे में होगा, पर अगर तुम ऐसे लिख देते हो कि तुम या ऑन, तो इसमें थोड़ा सा हम रेसिस्ट या फिर अगर हम थोड़ा सेक्सिस वे में हम ना जजमेंट हम हल्की सी ला रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पीसी। ओके इसमें एग्जाम्पल बता देता हूँ। एवरी स्टूडेंट शुड डिसाइड वॉट ही थिंक्स ठीक है, ही में मतलब शी नहीं थिंक्स कर सकती है ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जनरल न्यूट्रल वे में लिखते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड डिसाइड वॉट दे थिंक इज बेस्ट फॉर दियर ऑन एजुकेशन इन बायोलॉजी ठीक है। ये करेक्ट है, अब बस मान लो ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम सेक्सिस यूजेड बता देंगे कि वॉट इज योर ऑन एजुकेशन इन बायोलॉजी, जहाँ पे क्या कहता है क्या हल्का फुल्का अलग आ रहा है क्या कि लड़का अलग सोचेगा क्या फिर लड़की अलग सोचेगी अपने फील्ड में ठीक है। इसमें थोड़ा सा ओपन एंडेडनेस, ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे भी बन रहे हैं ठीक है, वो मान लो कि वहां पे आदमी ब्लंडर कर रहा है। ओके ज्यादा छोटा होगा तो इंसान को इरिटेट करेगा सेंटेंस, ज्यादा लंबा होगा तो कंफ्यूज करेगा। 20-25 वर्ड्स आर द आइडियल। ओके इसका ज्यादा कुछ भी नहीं है। अलोंग द लाइन इतना लंबा क्या लिखना है, लाइक एट द प्रेजेंट टाइम सीधा नाउ लिख दो ना ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। बस वही कि कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटा छोटा करके यार, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ एक ही फुल स्टॉप था, इसमें देखो 2-3 बार लगा दी है। ओके जो हमारा ये चीज होती है
इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, इसका यूज क्या होता है एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द फुल स्टॉप। ये जो पंक्चुएशन होता है हमारा, क्या सेमी कोलन कहते हैं, ये एक फुल स्टॉप की तरह काम तो करता है, पर हमें बताता है कि इसके आगे एक लाइन है जो कि पिछले वाले के ऊपर हल्की फुल्की डिपेंडेंट है, क्या फिर उसी के ऊपर बात होने वाली है। इट वर्क्स एज ए फुल स्टॉप, बट ये हल्का फुल्का हम उसके बारे में हम और बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ब्रेक डाउन ओकर्स, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ऑल्टरनेट सप्लाइज आर अवेलेबल। दिस इज डन बाई लिंकिंग पावर स्टेशन थ्रू द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स, ऑल ऑफ देम दस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टूट रहा है एंड अलग एक नई बात हो रही है, यहाँ पे सेम बात हो रही, सेम एसेंस हो रहा है, ठीक है। क्लॉजेस लंबे लंबे, मतलब बिल्कुल भाई 20 से 25 का रखो यार, पहले छोटे से शुरुआत करो, लंबी लंबी चीजें नहीं लिखनी शुरुआत में, आदमी बोर हो जाएगा, ठीक है। और कोई गार्बेज शब्द नहीं लिखना, फंडामेंटली बेसिकली एक्नॉलेज, मतलब इन चीजों को काटो। ये चीज अगर, मतलब जो चीज तुम होने और ना होने के बराबर, ठीक है, जो चीज बराबर हो, दैट मीन्स भाई उसको काट ही दो, ठीक है। क्यों क्यों लंबा रखना, ठीक है, वही डिफिकल्ट, फंडामेंटली डिफिकल्ट, ठीक है। अब वही चीज यूजलेस क्यों लिखना, ठीक है। फास्ट ग्रोथ, इसमें थोड़ा सा हम स्पेसिफिक भी होने के लिए कहते हैं कि हर चीज को काटो काटो, बट भाई सेंस बना के रखो, ओके। सर्टेन बेसिकली ऐसे वर्ड्स याद कर लो कि ये चीज गलती से भी नहीं लिखने एग्जाम में, ओके। अनटिल अनलेस तुम्हारे पीएच के ऊपर बात हो रही है, बेसिक का तुम्हारा कोई वो वाला मीनिंग होगा, बेसिक सोल्यूशन एंड ऑल, ठीक है। जल्दी जल्दी काम करो बस, इसका यही है कि देखो ये 58 वर्ड्स का है, 20 वर्ड्स में कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस द स्टफ। आई डोंट नो मैंने इतनी गंदी राइटिंग में क्यों लिखा, भी बस मन किया, ठीक है, बस लिटरली इसमें यही है, कुछ भी नहीं है और इसमें, ठीक है भाई। प्लैगरिज्म नहीं डालना, तुम्हारी ऑडियंस कौन है, राइटिंग का स्टाइल क्या है, तुम कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, टू द पॉइंट रखो, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, मैंने सब बता दिया यार, स्कीम बनाओ, मतलब कोई क्लटर मत रखो, ओके, कंफ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए। नाउ साइंटिफिक पेपर कैसे पढ़े, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। साइंटिफिक पेपर लोग पढ़ते क्यों है, ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सूडो एवरी अपडेट एंड एंड सूडो एवरी अपग्रेड, ठीक है, पूरा सिस्टम अपडेट करने के लिए। ये बेसिकली एक भाई ओएस स्टफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अपनी फील्ड में करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, और लिटरेचर सर्वे ऑफ ए न्यू फील्ड, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। पर ये भी एक कला होती है, ठीक है, ये ट्रायल से लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पर इसकी एक स्ट्रेटेजी है, थ्री पास स्ट्रेटेजी, BFS स्ट्रेटेजी, ये फिर DSA का स्टफ डाल दिया, BFS स्ट्रेटजीज, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बेसिकली तुम्हारा इसमें पिरामिड वे ऑफ ऑफ सीइंग थिंग्स होता है, कि पहला अगर तुम्हें कोई भी चीज मिल गई हो और तुम्हें मतलब देखना हो, तो पहला हमारा पहला पिरामिड ये कहता है कि पूरा एक बर्ड आई व्यू ले लो, ठीक है, कि पूरा तुम ऊपर से नीचे पूरा स्कैन कर लो। दूसरा तुम सारी क्या कहता है हेडिंग्स के अंदर छोटी छोटी चीजें देख लो, ठीक है, स्मॉल पॉइंट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ठीक है, कि कोई कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। थर्ड आप पढ़ो तुम डेप्थ में, ठीक है, एकदम से अगर तुम डेप्थ में पढ़ोगे ना, तुम पूरा तुम बिल्कुल बर्न आउट हो जाओगे, ठीक है। ये हमारी होती है BFS की स्ट्रेटेजी, ये बेसिकली कि ट्रीज जैसे हम पढ़ते हैं ना, कि ट्रीज को स्कैन करना है, ठीक है, तो बेसिकली हमारी लाइफ में भी अगर हम कोई चीज अगर हम रीड करते हैं, तो पहले पूरा ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, बट ये स्ट्रेटेजी हमें ये कहती है कि पहला एक ऊपर का लेयर खत्म करो, फिर छोटा मतलब फिर उसके नीचे का लेवल खत्म करो, फिर लेवल बाय लेवल क्लियर करो चीज, ओके। तो वही फर्स्ट पास बर्ड आई व्यू, 5 to 10 मिनट्स, टाइटल इनटू एब्स्ट्रैक्ट, हेडिंग्स, रिफ्लेक्शंस, कंक्लूजन, समरी तो पढ़ो ही पढ़ो, कंक्लूजन रिफ्लेक्शंस तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है, बस यही फालतू चीज है, ठीक है, एक बार देख लो यार, फिर भी कोई बात नहीं। सेकंड पास
यहाँ पे तुम सारे डायग्राम, फिर इलस्ट्रेशन, ग्राफ, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टफ हो गए उसको हल्का सा मार्क कर देना। कोई प्रूफ मत पढ़ना अभी डेप्थ में, पर हल्की फुल्की थियोरम पढ़ सको, ठीक है? साथ साथ की पॉइंट्स पढ़ लेना, ये 1 घंटे का होगा। ओके इसमें हल्का फुल्का ये भी सजेस्ट किया है कि किया अगर तुम्हें अब तक पेपर अच्छा नहीं लगा तो मत पढ़ो, पेपर क्या जरूरत है, ठीक है? मतलब ये थोड़ा लाइफ लेसन के बारे में बता रहे हैं हमें कि जिसको भी मतलब आगे जाके और रिसर्च में आगे पढ़ना है, ठीक है, अंडरग्रेड रिसर्चर बनना है क्या, फिर मतलब भाई थर्ड पास, अब तुम पूरा डेप्थ में चले जाओ, ठीक है? गेट योर हैंड्स डर्टी, 4 to 5 आवर्स का होता है, रिकंस्ट्रक्ट इन द माइंड। इसमें तुम पूरा ऑथर्स का तुम पीओवी निकाल रहे हो कि ऑथर ने क्या सोच के ये चीज बनाई है, ऑथर की जो जो वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा है वो सारे तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है? क्या तुम मेल खा रहे हो उसके दिमाग से, ठीक है? और वहां पे तुम्हारी एक अवेकनिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि तुम उसकी कमियां भी तुम निकाल पाते हो कि साइटेशन में उसने ये वाली कमी कर दी। ओके ये चीज होती है, वही पूरा डेप्थ में पढ़ो, ठीक है? 4 to 5 आवर्स का होता है। तुम इस वाली स्टेज में ना तुम पूरा पेपर खुद दिमाग में बना लेते हो, ठीक है? तुम सारे उसके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स के तुम बता देते हो, तुम उसके रिसेप्शंस छाट लेते हो, तुम उसकी साइटेशंस की कमियां बता देते हो, ठीक है? कोई कोई पोटेंशियल इशू उसका भी, कोई स्कोप, मतलब तुम अब ना पूरा ऑथर जैसा तुम्हारा माइंडसेट बन चुका है उस वाले टाइम पे, ठीक है? लिटरेचर सर्वे इसके ऊपर भी हम काफी बात करेंगे आगे जाके, ये ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब मैं फिर भी स्लाइड में दिखाई देता हूँ। मोटा मोटा लिटरेचर सर्वे मतलब वही पेपर पढ़ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आइडिया क्या है, ऑथर क्या बोलना चाहता है, क्या टॉपिक सच में मतलब जो टॉपिक ने कहा है वैसे रिसर्च बता रहा है, ठीक है? उसने क्या मेथोडोलॉजी यूज करके, ठीक है, क्या रिसर्च वो एक्चुअली क्लेम कर रहा है उस मेन चीज को, ठीक है, क्या कमी है उसके अंदर, क्या करना चाहिए इसके आगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ठीक है, कब ये पब्लिश हुआ, किसने रिव्यू किया, एकेडमिक समरी, ओके इन ए लेमन वे इट जस्ट ए समरी, ओके फॉरगिव मी मैम, ठीक है, समरी बनानी है लिमिटेड टाइम के अंदर, ठीक है? और ये क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्रक्स होता है, इसके अंदर मेजर पॉइंट्स, इसके अंदर एसेंस होता है पूरे आर्टिकल जर्नल का। अगर हम सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना हमारा, उसके अंदर कंक्लूजन या समरी कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, पर ये एब्स्ट्रैक्ट से अलग होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो तुम्हारे पास दूसरा टाइम नहीं हो पेपर को रीड मारने का, ठीक है, तभी तुम्हारी हल्की हल्की हेल्प करता है, और ये हमारे PFS के वे में भी पहले लेवल पे हमें हेल्प करता है। ए समरी इज अ शॉर्ट एंड कंडेंस्ड वे ऑफ रीडिंग, इट ओनली इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द रीडिंग टू समवन हु हैजंट रेड इट, रिटन इन योर ओन वर्ड्स विद द मिनिमम यूज ऑफ डायरेक्ट कोट्स, ओके? बट वॉट इज द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम मेथड मेन रिजल्ट एंड कंक्लूजन ऑफ योर स्टडी, ठीक है, जहाँ पे हमारी समरी पूरे स्केलेटन के बारे में बता देती है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट में तुम काफी सारी चीजें तुम शॉर्टन अप करके तुम नहीं नहीं लिख रहे होते हो, उसमें तुम बहुत ज्यादा चीजें तुम डिफाइन कर रहे होते हो विद द क्वेश्चन एंड द एम एंड द मेथड्स एंड ऑल। एक समरी बनाने के लिए तुम्हें किन किन चीजों की नीड होती है, एक्यूरेसी, ढंग से लिख पा रहे हो, कंप्लीटनेस, पूरा लिख पा रहे हो, एम्फेसिस, काम काम की चीजें लिख पा रहे हो, रेप्लिकेट तो नहीं कर रहे हो अपनी चीजें, ठीक है? रीडेबिलिटी, क्या समझ में आ रही है चीजें लोगों को, एंड क्या तुम खुद के अपने वर्ड्स में लिख सकते हो विद कोटेशन मार्क्स एंड ऑल, ठीक है? वही की पॉइंट्स डालने ऑर्गेनाइजेशन में करो, ठीक है, मेन आइडिया, कॉन्सेप्ट, सपोर्टिंग आइडियाज यू वांट टू पुट इन योर समरी, फ्लोइंग टेक्स्ट में रखो, एग्जैक्ट वर्ड्स मत निकालो, ठीक है भाई, इजिली समझ में आ जाए, ठीक है? अपने शब्दों में लिखो, ठीक है? और इसके 3 यूसेस होते हैं, पहला तो तुम्हें टेक्स्ट के बारे में चीजें पता चलती है, ठीक है, दूसरा काम काम की चीजें निकलती है, तीसरा
तुम ना इसके ऊपर तुम थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हो, हेल्प के कंक्लूजन पढ़ने के बाद, ठीक है? कोई जीडी आ गया तुम्हारा, उसमें हेल्प करता है। टिप्स: आइडेंटिफाई द ऑथर, टाइटल ऑफ द वर्क एंड द थीसिस स्टेटमेंट, क्लियर ट्रांजिशन बिटवीन द मेजर पॉइंट्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन द सेम ऑर्डर एज द ओरिजिनल। ओके, रेपिटेशन नहीं करनी, माइनर डिटेल्स नहीं डालने ज्यादा, ठीक है? लाइक कोट्स यूज नहीं करना, नहीं करना, बस नहीं करना, याद कर लो, ठीक है? मेन पॉइंट से भटकना नहीं है, अपना बायस कुछ नहीं डालना, अपन ओपिनियंस के कमेंट्स नहीं डालने। फॉर्मेट कैसे होता है इसका, ठीक है? पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हल्का फुल्का लिखो कि क्या इश्यू है, ऑथर क्या क्या बताना चाहता है, किस बेसिस पे बताना चाहता है। दूसरा तरीका, मेथड, ठीक है? हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन दो इन्वेस्टिगेशन का, सब कुछ पूरा पूरा बताने की नीड नहीं है, हल्के फुल्के आउटलाइंस बता दो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, ठीक है? फिर तीसरा रिजल्ट्स, ठीक है? चाहे अच्छा रिजल्ट आए या पूरा रिजल्ट आए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ओके, समरी के अंदर। फिर मोटिवेशन रिलेवेंस की ऑथर चाह मतलब उसके मन की क्या चेष्टा है, ऑथर की चेष्टा मुझे पता नहीं, बस मैंने बोल दिया। और वही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब ऐसे साइंस में, ठीक है? सिक्स कंक्लूजन, अपना कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? और कोई नई चीज अपने से बना के कुछ नहीं लिखनी, ठीक है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है? ये जो ऊपर जो लिखा हुआ उसके ऊपर हम बात करते हैं। बेसिकली तुम्हें बहुत बड़ा सा रिसर्च पेपर दिया जाएगा एंड यू आर सपोज टू गिव अ वेरी गुड समरी ऑफ इट, ठीक है? तो बेसिकली ये कैसे करता है कि पहला एक पैराग्राफ पूरा पढ़ो, ओके? उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीजें मार्क करो, ठीक है? फालतू की चीजें जो काटनी है उसको भी उसको मार्क मत करो, और उसका एक छोटी सी समरी अपने मन में बना लो, या फिर कहीं पर हल्को फुल्को रफ में लिख लो। ऐसे करके सबकी छोटी छोटी समरीज बनाओ, ओके? एंड देन उन सारी समरीज को कंबाइन करके एक फाइनल समरी बनाओ, ओके? ये चीज को बस मैंने नाम दे दिया, मर्ज सॉर्ट कंप्रेशन, ओके? बेसिकली तुम इसमें पूरी इस रिसर्च को तुम पहले चंक्स पे तुम पूरे डिवाइड करते हो, फिर उन चंक्स चंक्स के साथ तुम एक ऑपरेशन लगा के तुम उनको वापस कंबाइन कर रहे हो। ये बेसिकली हमारा डीएसए कॉन्सेप्ट मर्ज सॉर्ट में होता है, ओके? तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, एन इंडियन स्पेसक्राफ्ट हैड बिकम द फर्स्ट टू लैंड नियर द मून रॉक एंड अ ग्रेटेस्ट स्टूडेंट साउथ पोल। ये बहुत लंबी लंबी चीज है, इसको तुम जब तुम पूरा रीड करोगे ना, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये काम की चीज है, ये काम की चीजें नहीं है। मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतना लंबा लिखने की नीड नहीं है, सीधा इसरो लिखो यार, ठीक है? इंडियन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है? ये हल्का फुल्का लिख लो, पर वापस रिपीट नहीं करना जैसे इसने बहुत बार किया है। चंद्रयान थ्री सीधा नाम लिख दो, ठीक है? बाकी तुम रीड करोगे ना, ये देखो इसमें किसी का कोट नहीं लिखना, ओके? इट इज द एक्नॉलेजमेंट इन द पावरफुल एम्पायर स्टेटमेंट ऑफ इंडिया ग्रोइंग ग्लोबल स्टेचर एंड कैपेबिलिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको तुम ऐसे ही लिख दो। इंस्पायरिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर एंटरप्राइजेस फॉर एक्सटर्नल बॉडीज एंड ऑल, तुम ऐसे लिख सकते हो, हल्का फुल्का अपने आप से बना के, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन के साथ प्ले कर सकते हो, पर कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, ओके? अब इसमें थोड़ी सी रिपोर्ट बताई गई है रशिया का लूना 25 जो क्रैश हो गया था, ओके? क्रैश हो गया था, ठीक है? उसमें ज्यादा ये टन वगैरह की बात नहीं करी गई, ठीक है? इतने का विक्रम था, इतना का ये था, ठीक है? इतने दिनों का था, इसमें बस चुपचाप हमें डेट बता दी एंड कितनी कितनी कंट्रीज ने कम्पीट किया एंड हार मानी, ठीक है? फिर जो तुम देख रहे हो ना सबसे ऊपर वाला, जो हमारे ये चंक यहाँ पे आया था, उसी को कंबाइन करके हमने एक फाइनल समरी लिखती, ठीक है? देख पा रहे हो? यस, दिस इज, देख लो एक बार।
या अब आते थोड़े नए टॉपिक्स, एथिक्स, ठीक है, अच्छाई का रास्ता, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लास्ट टू टॉपिक्स में से आता है। ओके, एथिकल रहा करो अपनी लाइफ में, विद द रूल्स एंड ऑल, कोई कोई बेईमानी नहीं करनी लाइफ में। ओके, साइंटिफिक कम्युनिटी में टिके रहने के लिए, ठीक है, अच्छे काम करो यार, रूल्स वगैरह में, रूल्स के अंदर ही रहो। ओके, इसके ऊपर हम थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। पहला ऑथरशिप, ऑथरशिप इसमें हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम बताते हैं सारे ऑथर्स का, कि इस ऑथर ने ये किया, इसने ये किया, एक मेन ऑथर ये था, इसमें हमें क्रेडिट मिलते हैं, एंड ये रिसर्च की अकाउंटेबिलिटी को जस्टिफाई करता है। अगर तुम इसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो हमारे तुम्हारी पूरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आ जाता है, मिसकंडक्ट होता है ये। ओके, एन ऑथर इसे जनरली कंसिडर टू बी एन एन इंडिविजुअल हु हैज मेड इन सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी। ओके, एलिजिबिलिटी ऑफ बींग एन ऑथर, सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी, कंसेप्शन एंड डिजाइन, डेटा एक्विजिशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग द आर्टिकल फॉर इंटेलेक्चुअल कंटेंट, अप्रूवल टू द फाइनल वर्जन, एग्रीमेंट टू द अकाउंटेबल फॉर द एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ड वर्क रिलेटेड टू द एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्क। बेसिकली पूरा करता रहता पूरे काम का, ठीक है, काम का बाप जो होता है, ठीक है। ऑथरशिप एक पूरी टीम का ज्वाइंट डिसीजन होता है, और इसके साथ जो को-ऑथर्स होते हैं उनको हम कॉन्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, या फिर हम एक्नॉलेज इंडिविजुअल्स बोलते हैं। बट स्पेसिफिक नोट, अब जैसे जिसको जो बतानी होती है कि मैंने ये कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्या फिर कुछ किया, बहुत लंबी टीम है तो फिर एक अलग से पेज बनता है जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिस्ट वगैरह बनती है, ठीक है। पर ना कुछ लोग ना, मतलब वो गलत लोग होते हैं, ठीक है, गलत तरीके से ऑथर बन जाते हैं। पहला पोस्ट ऑथर, ठीक है, कि जिसने काम तो किया पर वो एक्नॉलेज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, पैसा पैसा लेके वो अपने आप चलता बना, ठीक है। गेस्ट ऑथर, जिसने काम नहीं किया पर क्योंकि उसकी रीच ज्यादा है, क्योंकि वो फेमस आदमी है तो लोग उसकी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा गिफ्ट ऑथर, ये वो लोग होते हैं जो ग्रुप में जुड़ जाते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते, बस वो ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ना जंग छिड़ जाती है, डिस्प्यूट पड़ जाता है, लीगल शिट पड़ जाता है, ठीक है। अब टिपिकली जो प्रॉब्लम्स होती है कि ढंग से साइट नहीं किया, आइडिया चोरी करेगा, फिर बिना बिना परमिशन के नाम यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, ठीक है। कोई कंप्लेंट होती है तो जर्नल एडिटर से लेके ऑथर से, इंस्टीट्यूशन से लेके जो भी पब्लिशिंग कंपनी है वहां तक पूरा ये फसाद बनता है। ओके, इसका सोल्यूशन ये होता है कि भैया चुपचाप ढंग के काम करो यार, पूरी एक मीटिंग के साथ तुम डिस्कस करो कि कैसे कैसे किस आदमी को एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इश्यूज होते हैं ये, ठीक है। एम्बिग्यूटी एंड कंफ्यूज एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने के लिए यही मीटिंग्स वगैरह करनी चाहिए, और बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ढंग से क्या कहते हैं, जो जर्नल की गाइडलाइंस है, ठीक है, जो भी तुम्हारा पब्लिशर है, जैसे IEEE हो गया, या फिर ACM डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, उनके अपने सारे कंडक्ट्स एंड ऑल द फॉर्मल स्टफ पढ़ो, ठीक है। और अगर तुम थोड़े से बिगिनर हो, या फिर किसी भी टाइम पे यार अपने सीनियर से बात करो, सीनियर्स ढंग से समझाएंगे। और क्या कंपीटिंग इंटरेस्ट, वही चीज, इसका सबसे बड़ी टोड़ पता क्या है, कि भाई पर्सनल बायस डाल के पूरे रिसर्च की बैंड बजाती। ओके, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बट पूरे रिसर्च को डिस्ट्रॉक्ट करती, या दिस इज अ गुड वर्ड, ठीक है। पहला, डायरेक्ट पैसा मिल रहा है आदमी को, दूसरा उसको रिस्पेक्ट मिल रही है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, स्टॉक होल्डरशिप, ग्रांट, पेटेंट्स, इनडायरेक्ट ऑनर, कंसल्टेंसीज, स्पॉन्सरिंग, ठीक है, म्यूचुअल फंड ओनरशिप, पेड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी की ढांचे उड़ जाती है, ठीक है, कि मान लो जिसने दवाई बनाई उसी का जो टेस्टिंग वाली जो जो उसको जो टेस्ट कर रही है, क्या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी मेजर अप कर रही है, वो उसके अपने ही आदमी होंगे तो वो तो अपनी दवाई को बेस्ट ही बोलेंगे ना, ठीक है। ये सारी चीज को बोलते हैं डुअल कमिटमेंट्स, ठीक है, कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड कंपीटिंग लॉयल्टीज। ओके, और सिर्फ फिर पूरी ऑथराइजेशन, क्या फिर पूरे साइंस इंडस्ट्री का लॉस होता है, ठीक है। कोई फिर वो लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते पेपर्स के ऊपर, ठीक है, कलेक्टिवली
एक पूरी सोसाइटी का लॉस होता है। आप इसमें थोड़ा सा पर्सनल बायसनेस, एकेडमिक कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल पैशन की वजह से भी ऐसे पंगे आ जाते हैं कि कोई रिलेटिव है जो कि उसी में काम कर रहा है, कि आपको कोई स्टेक, कोई प्रमोशन चाहिए, पर्सनल बिलीफ बायसनेस हो गई। प्लैगिज्म के ऊपर बात करते हैं। प्लैगिज्म एक बहुत बड़ा अपराध है, किसी का काम चोरी कर लेना या फिर लिख देना बिना किसी परमिशन के, एडिट का बिना किसी एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, चाहे वो डेटा हो, वर्ड्स हो, आइडियाज हो, या कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर कोई भी फ्रेजेस हो, इवन फ्यू लाइंस इन अ पैराग्राफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन के सेक्शन अगर कॉपी किया है तो वो भी एक अपराध है। ओके, अपना काम ना अपना ही वे में लिखो। ठीक है, चोरी मत करो। द समरी इज दैट इंग्लिश में बहुत सारी चीज समझाइज कर सकता हूँ, हिंदी में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज ऑफ फीलिंग, यू नो, या फिर जो भी रीड कर रहे हैं उसकी आसानी के लिए। वरना स्लाइड्स आर, मैं बताऊँ, स्लाइड्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, लिटरल कॉपिंग, वही सीधा पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं करना चाहिए, या फिर कोट कर दो, साइटेशन डालो। ठीक है, सब्सटेंशियल कॉपी, इसमें तुम वही प्रोसेसिस टेबल्स को तुम कॉपी पेस्ट मार रहे हो, साइटेशन डालो या कोट करो सेफ रहने के लिए, ये सारी गलत टेक्निक्स होती है, मत करो। पैराफ्रेजिंग, किसी और की पैराग्राफ को अपने वे में लिख दिया पर कंटेंट वैसा ही है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए वही साइट करो, पूरा कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, क्या वो ढंग का भी है वो चीज, क्या वो सच में रेलिवेंट है तुम्हारी रिसर्च के लिए, वो चीज तुम कंपेरिजन करो। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि तुम बस लंबा करने के लिए तुम उसका काम डाल रहे हो, हल्का फुल्का फेमस होने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट रिसाइकलिंग, अपने खुद की पुरानी रिसर्च का काम उठा के अगर तुम नई रिसर्च में डाल के तुम कह रहे हो कि देखो मैंने ये एक नया इन्वेंशन किया, वो भी एक प्लैगरिज्म है। ये चीज तुम नहीं कर सकते, पुरानी असाइनमेंट की चीज तुम नई असाइनमेंट में नहीं डाल सकते। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा सेफ प्ले करने के लिए मेक ए सेपरेट फैक्ट शीट शीट, क्या फिर हल्का फुल्का तुम डिक्लेयर कर दो कि हाँ मैंने ये पुराने अपने उस वाले काम से उठाया है। साइमल्टेनियस सबमिशंस, ये बेसिकली दो, एक ऑथर है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, और क्या कहते हैं हम, मतलब मान लो एक एक्स वाई जी फोन, ठीक है, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, और उसमें कंटेंट सारा सेम ही है, स्पेसिफिकेशन सब सेम ही है, ऊपर ये हल्का फुल्का कह दिया अंडे वो सही कि भैया वी आर वेरी इनोवेटिव, या फिर हमने सेपरेट हमने तीन तीन एंटिटीज बना ली। उसी तरीके से एक अगर पब्लिशर का, फिर कोई एक प्रोफेसर तीन चार पब्लिकेशंस निकालते हैं, पर उसके अंदर सेम चीज ही होती है, बस वो हल्का हल्का वो अपने काम को पैराफ्रेज करके लिख रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छे तरीके का प्लैगरिज्म होता है, एंड इट्स ए ब्रीच ऑफ पब्लिशिंग एथिक्स। ठीक है, बहुत ही गलत चीज होती है ये, क्यों, क्योंकि उससे अगर उनको कोई ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं तो फिर इनसे वो डबल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वही मनी फ्रॉड एंड ऑल स्टफ। ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ओके, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि बहुत सारे पब्लिकेशन के एसीएम के अंदर सेम डॉक्यूमेंट डाल दिया, ठीक है, आईटीपीडी के अंदर एक और वैसे ही डॉक्यूमेंट डाल दिया, एंड वो सेइंग कि देखो हमारे पास दो 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 डॉक्यूमेंट्स है, दो दो अलग अलग पब्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, फिर इनके पास दो क्वांटिटी आ गई, जबकि क्वांटिटी वो एक्चुअल एसेंस उनका एक ही है, तो उसके थ्रू उनको जो भी कमाइयाँ, कोई भी मतलब जो भी इनका गलत इंटेंशन होता है, इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, ये चीज नहीं करनी चाहिए, मत करो ऐसा। पब्लिशर की गाइडलाइंस को सुनो, उससे बात करो, बार बार पब्लिश मत करो। ठीक है, वही पूरे डिस्क्लोजर डालो। ओके, एक तीसरे प्रकार का भी आता है, चौथे प्रकार का। ओके, सो टेक्स्ट रिसाइकलिंग, इसमें तुम वही पुरानी फुल्की हल्की फुल्की चीज को मैनिपुलेट करके यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये 15 इज द न्यू 14, ठीक है, वही पर है सेम ही चीज। ओके, बस हल्का फुल्का ए आई इन और डाल दिया, यही चीज। पर ना इसके साथ सेफ प्ले करने के लिए कोट्स डालो एंड साइटेशन डालो कि हाँ ये मेरे पुराने काम का है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग ऐसे भी अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं कि एक आदमी ने पूरे सर्च पेपर बनाया वो क्वांटिटी नंबर वन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, फिर उसने हिंदी वर्जन बनाया क्वांटिटी टू, फिर उसने तमिल का मल्टी लिंगुअल लैंग्वेजेस में बनाया, वो कह रहे हैं कि भाई देखो मैंने इतने सारे पेपर्स मैंने पब्लिश कर दिए, इट्स ऑल्सो रॉन्ग प्रैक्टिस। पब्लिशर से बात करो कि इसकी क्या गाइडलाइंस है, अगर तुम्हें सच में मन है एक मल्टी लिंगुअल वे में तुम्हें
बनाने का चीज होगा, ठीक है। रिसर्च फ्रॉड दो ही प्रकार के होते हैं, फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन। पहले फैब्रिकेशन में खुद का रिसर्च डेटा बनाना, ठीक है, खुद के रिसर्च के रिजल्ट्स बनाने, ठीक है। दूसरा फॉल्सिफिकेशन, जो तुम्हारे पास चीजें हैं, इक्विपमेंट, डेटा, प्रोसीजर्स, इनके साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन आर नियरली द सेम, पर फैब्रिकेशन में तुम खुद से कैसे तुम पूरा ही अपना बना रहे हो, ठीक है। खुद का हमारा डेटा, खुद का हमारा गूगल फॉर्म, खुद की हमारी खुद की एंट्रीज, ठीक है। जबकि जो भी तुम्हारी इक्विपमेंट्स एंड ऑल होती है फॉर मेजरिंग समथिंग, अगर तुम उसमें थोड़ा सा फॉल्टी स्टफ कर रहे हो, वो हो गया फॉल्सिफिकेशन, ओके। ये चीजें नहीं करनी है, ओके भाई। कोई भी टैम्पर मत करो किसी एविडेंस को, रॉ डेटा रॉ ही होना चाहिए, एक्सेसिबल टू ओपन फॉर ऑल होना चाहिए कि हर कोई देख सके, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन के लिए तुम क्लैरिटी, तुम ढंग से बताओ कि हाँ मेरे सिस्टम की ये स्पेसिफिकेशंस है एंड ये इतनी क्लैरिटी है, ठीक है। इस्लामिक साइजिंग, ये बेसिकली वही चीज कि एक पूरी बहुत बड़ी सी इन्होंने रिसर्च बना दी एक आदमी ने, ठीक है, और उसको पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे पेपर्स में उसने मतलब ऐसे बेचना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ये बेसिकली एक आइसक्रीम है, उसका आइसक्रीम रोल केक होता है ये, ठीक है, बास्किन रॉबिन्स का, ठीक है। इसके पीसेस बना के सेपरेट क्वांटिटीज हमारी बना दी। इसके इसके अलावा एक दूसरी चीज थी जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये बना दी, ओके। हाँ इतना वेला था मैं एक टाइम पे, ओके। सो बेसिकली वही कि जैसे हमारी मांगा सीरीज होती है, बजर्क पार्ट 1, बजर्क पार्ट 2, बजर्क पार्ट 3, ठीक है। इंस्टेड एक वन शॉट, एक बहुत बड़ी सी जैसे डेथ में होती आती है ना, एक बहुत बड़ी सी वन शॉट मांगा, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड ऑल, उसमें क्या कहते हैं, ये ऐसे वही स्लाइड्स बना के डिफरेंट चीजें बना, डिफरेंट पेपर्स बनाते हैं, एंड सेम कि हर पेपर एक दूसरे से अलग है। पर वही अगर तुम स्लाइसेस तुम बना भी रहे हो ना, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक स्लाइस वापस रिपब्लिश नहीं होना चाहिए, उसका कंटेंट वापस रिपब्लिश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी होनी ही नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस, ओके। सो अब इसके बाद और क्या बचा है, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मींस द एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज फ्रॉम अदर सोर्सेस इन योर ओन वर्ड्स इन अ सिमिलर नंबर ऑफ वर्ड्स एज द सोर्स टेक्स्ट, ठीक है। सीधे सिनोनिम्स या फिर रिअरेंजिंग द स्ट्रक्चर से नहीं होता, अपने वे में लिखना, ठीक है। एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल सोर्स विद द प्रॉपर रेफरेंसिंग। इसका यूज कहाँ होता है, जब तुम अपना कुछ लिख रहे होता तो फिर तुम्हें अगर उस वाली रिसर्च के ऊपर कोई बात करनी है, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करनी है, तब अब ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा तुम अपनी स्टडी को तुम थोड़ा सा और फोकस कर रहे होता है कि तुम्हें वापस बार बार उस जर्नल से काफी उस पेपर पे रेफर नहीं करना होता, तुम्हारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लैगियरिज्म से बचते हो और तुम अपना अपना ओपिनियन तुम बता सकते हो उस पेपर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स चीज को तुम अपनी लैंग्वेज में लिख के आसान ही बनाओगे, जैसे मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ये मतलब स्पीड रन जो कि काफी ज्यादा आसान हो चुका है, मतलब मेरे लिए भी है ना, आप लोगों के लिए भी, आई होप सो। अब ये पैराफ्रेज कैसे करते हैं, पहला पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, पूरा आइडिया लो और समझो, फिर की वर्ड्स को मार्कडअप करो, ठीक है, पूरा एक एसेंस समझो ये क्या होगा, फिर ना उसको ना एक साइड पर रख के ना एक पेज में लिखो अपने वर्ड्स में कि तुमने क्या पढ़ा, ठीक है। दिस इज द पैराफ्रेजिंग, जिसको तुम ये कहते हैं रिइटरेट करो, ठीक है, एंड लास्ट में प्रॉपर साइटेशन रखो। ऑथर्स का मीनिंग चेंज नहीं करना कि तोड़ मोड़ के तुमने एक नया ही मतलब पीओवी बता दिया ऑथर का। इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग, जो चीज जो नहीं करनी है, अगर तुम वही चीज करते हो कि सिनोनिम्स ही रिप्लेस कर दें, यू आर सेइंग कि मैंने पैराफ्रेज किया, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ प्लैगियरिज्म व्हिच इज अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, यू शुडंट डू दैट, ओके। हाँ जैसा मैंने बताया था, ये थोड़ा सा बैड पैराफ्रेजिंग की तो बात हो रही है, लैंड वर्ड्स को ऊटपटांग वे में लिखती है, ठीक
ये थोड़ा अच्छा सा है। टीचर्स यूज डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड ऑल, ठीक है देख लो यार। मैं बात कर चुका हूँ इस चीज के ऊपर, कोट करना ऑथर की कोई एग्जैक्ट वर्ड या फिर कोई कोट या फिर कोई एग्जैक्ट कोई चीज लिखनी हो जिसको तुम पैराफ्रेज नहीं कर पा रहे हो, उसको तुम छोटे छोटे कोट्स में तुम लिख लो, ठीक है। उसके ऊपर भी एक साइटेशन होनी चाहिए, याद कर लो। इसका यूज होता है कि एक प्रॉपर डेफिनेशन या फिर कोई नई थ्योरी बनी है तो उसका एग्जैक्ट रेफरेंस पता चल जाता है, और जबकि ऑथर कोई मतलब ऐसे क्रेडिबल अथॉरिटी अगर तुम्हारे पेपर के अंदर होती है तो तुम्हारी पॉइंट को और सपोर्ट मिलता है कि हाँ ये वाली बात इसने कर दिया है तो सही ही होगी। ओके सो टाइप ऑफ साइटेशंस, पहला इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट साइटेशन एंड दूसरा ऑथर प्रोमिनेंट साइटेशन। अब इसमें तुम हल्का फुल्का ये डिफरेंस होता है कि पहला इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट साइटेशन में तुम इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हो तो तुम ऑथर की तुम हल्की सी भी तुम बात नहीं कर रहे होते, उसको तुम एक छोटा सा ब्रैकेट में लिख देते हो चॉम्स के लिए लिखा था इस वाले पेज में। ओके इसमें तुम ऑथर के ऊपर हम काफी ज्यादा हम फोकस वे में हम बात कर रहे होते हैं। हाँ कि ये एक लिंग्विस्ट थे, इन्होंने वॉर वॉन किया था, इन्होंने ये वाला पर्सपेक्टिव था। फिर आई इंफॉर्मेशन, फिर आई उसके साइटेशन। ओके दिस इज द वे नोटेड, वन सेकेंड। ओके सो भाई यहाँ तो डायरेक्ट कोट कर लो कॉपी पेस्ट वे में, जहां पर जो हमारी गाइडलाइंस होती है पी ए पी एम एल ए हार्डवर्ड एक्सेट्रा, वो उसी तरीके से तुम्हारी साइटेशन बाद में हो। ओके दूसरा पैराफ्रेज कर लो यार, ठीक है। ओरिजिनल काम को कॉपी मत करो साइट करो। ओके अब तुम्हारे जो एग्जाम से नॉल होगी उसमें तुम्हें कोटेशन लिखने की उतनी नीड नहीं है, बट तुम क्या कहते हैं लिख रहे हो तो साइट कर देना क्या फिर पैराफ्रेज कर लो यार एंड बता भी देना आगे जाके। समराइज करना मेन पॉइंट्स बता देना, ठीक है। और इसमें भी साइटेशन होनी चाहिए ये भी याद कर लो। अपने तरीकों से तुमने क्या समझा, ब्रीफ आउटलाइन, ठीक है भाई पूरा पढ़ो आइडिया लो तुम्हें क्या समझ में आया, क्या ओवरऑल मैसेज है, स्टेटेड की पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स, राइट योर समरी, प्रूफ रीड करो, प्रॉपर साइटेशन, डोंट फॉरगेट दिस। ओके एंड द लास्ट मतलब टिल द मिड सेम। ओके लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पे हमने जहाँ पे बात करी थी एक सेकेंड, लिटरेचर सर्वे पे जहाँ हम बात करें तो एक्चुअली ये चीज थी। ओके ये चीज होती क्या है लिटरेचर रिव्यू, वही एक मतलब थोड़े फॉर्मलाइज वे में चीज को पढ़ना। ओके एक क्रिटिकल अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन टॉपिक बाय द एक्रेडिटेड रिसर्चर, मे बी फॉर द स्टैंडर्ड लोन असाइनमेंट, इंट्रोडक्शन टू एन एसे, पार्ट ऑफ रिसर्च। ओके क्या फील्ड है। ओके तो भाई ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इंफॉर्मेशन अपडेट, कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ये एक इंग्लिश ऐसे को रीड मारना नहीं होता, कभी कुछ समरी बनाना नहीं होती, ये बाइजिंग के ऊपर बात नहीं होती, क्या फिर किसी भी चीज का मतलब कोई टाइमलाइन बना दी, ये चीज नहीं होता वो। ओके इसमें तुम थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग लगा रहे होते हो। ओके समरी इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे पर्सपेक्टिव में क्या क्या काम की चीज लगी, क्या एसेंस है उसका। समरी में तुम सब कुछ बोल देते हो, इसमें तुम थोड़ी काम की चीजें पे तुम फोकस अप करते हो, जबकि अब एब्स्ट्रैक्ट तो रिसर्चर ही लिखता है। कम्युनिकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स चेंजिंग एंड डेवलपिंग ओवर अ टाइम, ठीक है। और जब तुम ये लिखते हो ना साइंटिफिक लिटरेचर तो तुम उसमें कमियों भी बता रहे होते हो, समरी में तुम उतनी कमियों के ऊपर बात नहीं कर रहे होते, साइटेशन की कमियां कर किसी और चीज के ऊपर, क्योंकि समरी तो उस टाइम पे रिसर्चर ही लिख रहा होता है।
रेंज ऑफ रिसर्च, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, आगे जाके क्या स्कोप है, कंट्रोवर्सी कहाँ हो सकती है, ये चीज तुम्हें लिखनी है. ओके, इम्पोर्टेंट. क्या वर्किंग एरिया का फिनटेक स्टैक, क्यों है ये रिसर्च क्वेश्चन, क्या बन सकते हैं पूरा, व्हाट व्हेन हाउ व्हाई, क्यों, फर्क क्या पड़ता है इस चीज से, ठीक है, ये सारी चीजें सोचनी चाहिए. अब लिखना कैसे है ये चीज, ओके, वही प्रिसीजन के साथ लिखो, ठीक है, ये समझी जैसा ही है, उसके ऊपर थोड़ी और बात करूंगा. ये ना जो तुम साइंटिफिक राइटिंग जो तुम लिखते हो, ओके, साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू, ये समझी जैसा तो होता है, पर ये थोड़ा सा हम डेप्थ में थोड़े हम फॉर्मूले या फिर अपने जो मेथोलॉजीज जो होती है उसके लिए होता है, जिसको हमारे प्रोफेसर पढ़ रहे होते हैं, या फिर उस इंस्टीट्यूट का मतलब जो भी जो लीड प्रोफेसर जो भी होता है, ठीक है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, जिनको तुम्हारी पूरी डेप्थ के बारे में ए टू जेड तो नहीं पता, बट ही इज इन योर डोमेन, तो वो तुम्हारी बहुत सारी टेक्निक टर्म्स को रिलेट कर सकता है. समरी में तुम उतनी टेक्निक टर्म्स यूज नहीं करते, तुम साइंटिफिक राइटिंग में तुम करते हो टेक्निक टर्म्स, दिस इज द डिफरेंस. ओके, तो प्रिसाइज, एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, कंक्रीट, क्वांटिटेटिव, रेलेवेंट, मेटाफर्स यूज नहीं करने हैं, क्लियर होना है, फालतू चीज नहीं लिखनी. ओके, और ऑब्जेक्टिव रहना है, पैसिव वॉइस जब काम हो, ठीक है, लिमिटेशंस बतानी है, अजम्पशंस बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्यों कैसे, लिटरेचर सर्च, क्रिटिकल एनालिसिस, इवैल्यूएशन, तुम्हें क्या अच्छा लगा, नहीं इसमें बाइजिंग नहीं, पर क्या कहते हैं वही, तुम्हें ये चीज सोचनी है कि क्या ये चीज मैंने सही लिखा, मुझे क्या इसमें ये चीज लगी कि हाँ ये चीज ऐसे करनी है वगैरह वगैरह, क्या मैंने ढंग से वैल्यूएट किया है जब तुम लिख रहे हो ये चीज, तो अपने मन में सोचने वाली चीज. ओके, कोई चीज मैं मिस तो नहीं कर रहा, कोई स्कोप क्या है इसका. ओके, सर्च कहाँ पे करना, गूगल स्कॉलर पे करना, अगर कोई भी लाइब्रेरी डेटाबेस हो, ठीक है, लाइब्रेरी की स्टाफ हेल्प करती है हमारी IIIT की, इसलिए हमें रिकमेंड किया गया है कि हमारा लाइब्रेरी का डेटाबेस पूरी तरह एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है, तो फिर हम उसका यूज करें एट अवर रिसर्च. वही क्रिटिकल एनालिसिस की क्रीडेंशियल्स क्या है, क्या उसकी बातें एविडेंसेस से सपोर्ट हो रही है, क्या फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, उसका पर्सपेक्टिव सही है, क्या फिर वो बायस्ड है, ठीक है, उसका डेटा कंसीविंग है, और क्या ही सच में उस फील्ड में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प होती है. क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली, टेकिंग नथिंग फॉर ग्रांटेड बट क्वेश्चनिंग एक्यूरेसी, मोटिवेशन एंड इन्फेरेंस, एंड सीकिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शंस एंड इनसाइट्स, कॉट्रेल, ठीक है, ये बेसिकली ना वही बात का छीड़फाड़ करनी है. ओके, बेसिकली पूरा ब्रेक डाउन, पोस्टमार्टम करना है पूरी बात का, ठीक है, इसके जितने भी तुम थ्योरी बना सकते हो, फिलोसफी, जैसे कोई हैरी पॉटर की कोई मूवी देखी तो उसके ऊपर एक डिस्कशन वीडियो नहीं रख दी कि हाँ इसका ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी, इसने ये वाली बात इसलिए बोली क्योंकि इसको ये चीज लगी, ठीक है, ये हल्का फुल्का लेवन में भी मैंने बताया, फॉरगिव मी फॉर सच लेवन वे ऑफ सेइंग. ओके, क्या ये सच में ट्रू है, एविडेंस कहाँ है, क्या ये सच में है, कीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, रिकॉग्नाइज असम्पशंस, एवैल्यूएट आर्ग्यूमेंट्स, ड्रॉ कंक्लूजंस ऑफ फ्रॉम इट. ओके, अपनी बायसिंग कोई नहीं रखनी, पर दूसरी की बायसिंग जो उसमें दिख रही है वो चीज नोट आउट करनी है, समराइज करो, चैलेंज करो असम्पशंस को, लिमिटेशंस बताओ. ओके, ये मेन पॉइंट्स है, आइडेंटिफाई एविडेंस टू बैकअप एंड चैलेंज की पॉइंट्स, इनकंसिस्टेंसी, मिस्टेक्स निकालो, बायसिंग निकालो, फैक्ट ओपिनियन के बीच ऑफ डिफरेंस बताओ, कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें जो भी उसके ऊपर बात करो, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस भी तुम रख सकते हो इसमें. अब ना ये हम करते क्यों हैं, क्योंकि क्या ऑथर क्या इसमें क्या कहता है, कोई उसका हिडन एजेंडा है, क्या फिर वो क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, क्या फिर वो कुछ मतलब कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, क्या फिर कोई कमी तो नहीं है उस वाली रिसर्च रिपोर्ट में. ओके, क्रिटिकल थिंकिंग इज द की टू ए गुड एनालिसिस, क्रिटिक करो एक्सपर्ट्स को, ठीक है, अगर तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट आता है, अगर तुम्हें कैप्स पता लग चुके हैं,
क्वेश्चन करने से भाई डरो मत, ओके। और तुमने जो चीज बनाई वो चीज तुमने सही सोची है या नहीं है, इस चीज के ऊपर भी तुम अपने ऊपर भी बात करो, ओके। कि इंट्रोस्पेक्ट करो अपनी बातों को भी, कि क्या मैं बस समराइज कर रहा हूँ या फिर मैं स्ट्रेंथ है और उसकी वीकनेस में दोनों चीजों को मैं एक्नोलेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये मेरी बायसनेस की वजह से, क्या मैं इसको गलत तो नहीं बोल रहा हूँ या फिर मैं इसको सही तो नहीं बोल रहा हूँ, ओके। कोहेरेंट साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यूज, ओके। वही क्लियर वन वन की पॉइंट व्यू, सब हेडिंग्स, चेक द फ्लो ऑफ द आर्गुमेंट स्ट्रक्चर, ये वही चीज है रिव्यू एंड ऑल, ओके। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चूज वन। क्रोनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, मेथड, थ्योरी। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग काफी ऐसी चीजों में इंप्रूवमेंट कैसे लाते हैं, डिबेट्स में जाओ, ठीक है, क्लब्स ज्वाइन करो, बातें करो। हाउ टू स्ट्रक्चर साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी एंड तीसरा कंक्लूजन। कंक्लूजन में सारी समराइज द की पॉइंट्स ऑफ योर रिव्यू, मेन बॉडी में सारी क्रिटिकल एनालिसिस, इवेल्यूएशन, कमियां, अच्छी चीजें, ठीक है, सारी जो तुम्हें नुकता चीनी बातें बोल ली है, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन, पूरा ओवरव्यू, ओके। और जब तुम लिख रहे होते हैं ना, तब तुम थोड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे डिजाइन मेथोडोलॉजी, तो बेसिकली कहते हैं जॉट डाउन योर ब्रेन आइडियाज एंड देन रिफाइन देम टू हेल्प इन डिजाइन एंड रिसर्च, ओके। टॉपिक्स, तुम्हें किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर प्रायोरिटी सेट करो। इंट्रोडक्शन मेन बॉडी के, मेन बॉडी लिखने के बाद ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज काइंड ऑफ समरी ऑफ द मेन कंटेंट बट आल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन कंटेंट टू लिंक इट अप, ठीक है। क्या चीज है, ठीक है, क्या पेपर है ये, इस चीज के ऊपर तुम्हें बात करनी है, मतलब इस पूरे रिव्यू का कोर एम क्या है, इस चीज के ऊपर तुम्हें बात करनी है, तुम बोलना क्या चाहते हो इस पेपर के बारे में। मेन बॉडी में सारा रेलिवेंट डेटा, वन की पॉइंट पर पैराग्राफ, सब हेडिंग्स, डायग्राम, फिजिक्स है, फिगर्स एंड टेबल्स, ठीक है, जितनी लिटिल डिटेल तुम रख सको उतनी अच्छी बात है, ओके। ये एक तरीका होता है लिखने का, देख सकते हो। मैं बात कर चुका हूँ इनके ऊपर, यहाँ पे हम थोड़ा सा एसेंस पता चलता है, मतलब यूज पता चलता है कि फिगर्स एंड टेबल्स होते क्यों है, जब हम सारी चीजें हम लिख के हम अपने नोट्स बना सकते हैं, वो थोड़ा सा तुम्हें जैसे पढ़ पढ़ के पूरा दिमाग नहीं थक जाता जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ पढ़ के, पर अगर कोई विजुअल चीज आ गई तो फिर तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे वन सेकेंड। हाँ, इसमें थोड़ा मैंने इलस्ट्रेशन के थ्रू ने बताया प्रोसेस को, जहां कोई इलस्ट्रेशन पता चलती है वहां पर तुम्हारा हल्के से दिमाग स्विच होता है एक तरीके से समझने में, तुम्हें एक फ्रेशनेस मिलती है। फिगर्स एंड टेबल्स प्रोवाइड अ ब्रेक फॉर द रीडर एंड चांस टू अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द की कॉन्सेप्ट्स। कंक्लूजन, मेंटेन द फोकस, समराइज मेजर रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉइंट आउट मेजर फ्लॉज, गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज, मतलब मेजर वाले सारे नहीं, पोटेंशियल फ्यूचर स्टडीज एंड एक क्लोजर प्रोवाइड करना, कंक्लूड करना उन सब चीजों को। ए लिटरेचर रिव्यू इन ए थीसिस और डिस्ट्रक्शन यूजली लीड्स टू ए रिसर्च क्वेश्चंस दैट विल बी एड्रेस्ड, ओके। रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, ठीक है, तो भाई रिइटरेशन करो, रिइटरेशन किन चीजों के थ्रू तुम्हें करनी चाहिए, पहला पैसिव वॉइस ज्यादा ही तो नहीं, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, या लंबा तो नहीं लग दिया, क्लैरिटी है या नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने रेफरेंस ढंग से किया भी है या नहीं किया, ग्रामर तो मैंने खराब नहीं कर दी, प्रॉपर स्पेलिंग, पंक्चुएशन का भी, सेंटेंस लेंथ तो मैंने खराब नहीं करती। अपने फैमिली से बात करो, अपने पीयर से बात करो, एक थर्ड थर्ड फोर्थ ओपिनियन रखो एंड ब्रेक लेके अगले दिन एक बार पढ़ के देखो, क्यों, क्योंकि तुम एक फ्रेश आइज के साथ पढ़ते हो, ठीक है,
एकदम से जो रिफ्रेश होता है, क्योंकि जब तुम सोते हो तो फिर तुम्हारा जो जो तुम्हारा जो डेटा होता है ना, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज होता है। बहुत सारे न्यूरल डेटा जो छोटी छोटी सी ट्रीज ऐसे बहुत सारी हवा में होती है, और वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाती है काफी ज्यादा लेवल में बता रहा हूँ। काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड ट्रीज बन जाती है, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तब तुम जब तुम एक फ्रेश आइस के साथ जब तुम बढ़ते हो ना, तब तुम्हें एक नई अवेकनिंग होती है। ओके, मैंने काफी ज्यादा डेप्थ में बात कर दी। आल्सो रेफरेंस भी करो भाई, क्रेडिट करो। ठीक है, इन टेक्स्ट रेफरेंस लिस्ट बिब्लियोग्राफी तरीका होता है, देख सकते हो। जोटैरो से रेफरेंसिंग मैनेजर, अभी इसमें यूज नहीं हो रहा, यूज हो रहा होता तो फिर मैंने काफी अच्छे डेप्थ में मैंने पढ़ा हुआ है। ये एक हमारा कोर्स है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल सोशल एंड डिजाइन, ऐसे कुछ था, RMSSD। ओके, उसके ऊपर काफी हमने डेप्थ में काम किया हुआ है इस चीज के ऊपर। वही जब कोई अच्छा, ये रिसर्च को बोल रहे हैं कि रेफरेंस किया करो ये रिसर्चर के लिए। ओके, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, फिगर्स एंड टेबल्स। अगर तुम कुछ लिख रहे हो तो उसके नीचे भी तुम्हें साइट करना है कि हाँ ये चीज मैंने यहाँ से उठाई। ओके, पब्लिशर से परमिशन लो कि ये इमेज कॉपीराइटेड तो नहीं है। ठीक है, इमेज अडेप्टेड फ्रॉम द सोर्स, क्या कोई लिंक कुछ भी है। प्लैगरिज्म भाई मत करो, बस मत करो भाई, समझ जाओ ना एक बार मैं कह रहा हूँ तो। ओके, यूज इंडेक्स साइटेशंस ओनली टू रेफरेंस आइडियाज ओपिनियंस एंड इंटेक्स कोर्स, दैट इज द एंड, ऑल द बेस्ट।